अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी। इंडस डॉट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी और आप लोग देख रहे हैं आपके सितारे। हमारे साथ है हमारे एस्ट्रोलॉजर मौजम खान, टैरो कार्ड रीडर आलिया नज़ीर, हमारे क्यूट से नोनी और माई फ्रेंड टोनी। और ये जो ऑडियंस में जम्मे गफीर है, हर बारी साडे शो दा ना दरवाजा खुला रहंदा, कोई ना कोई आ जांदा है। और जिस तरह दे गेस्ट ने लगदा दरवाजा कोई पुट के ले गया। आपको पता है हमारी तीसरी सिस्टर भी आएंगी। हाँ। कौन है? ये देखें, इहदा ये हाल होया, ये सस्पेंड हो गई है। ये भी मेरी बेटी है। वैसे कोई बड़ा खूबसूरत सा बालों का ऐड नहीं लग रहा, हर तरह के शेड्स बैठे हुए बालों के। इनके लंबे बाल हैं, ब्लैक, घने, पीछे से, यहाँ से। अगो मत बजी। और एदिया जुआ भी कहंदियां होनियां, भैणा साडे घर चिप्स लगी है। मेरी बेटी को बात नहीं की, इसकी मैं बातें बताऊं आपकी जान निकल जाए। हमें तो देख के निकल रही है। नहीं, इसको मैंने चार पाई पे ऐसे डालना, वो तो चार पाई में से आवाज आनी, आए मैं मर गया। इसको नजर इतनी जल्दी लगती है, जिड्डी एदी सेहत इनु मिसाइल लगना चाहिए। मेकअप कहां से करा के लाई? मैं टांगे वाले अड्डों से। क्या बकवास कर रही है अतीका जी? आपको बताए, हमारी एक है बड़ी अच्छी, अतीका ही नाम है उनका, उनका भी पार्लर है। हाय खुदा का वास्ता, मेरे सैलून को बर्बाद ना कर। ये क्या बात हुई, वहाँ पे तैयार नहीं होती, ये कटिंग कहाँ से करवाई हमने? नहीं, आपने नहीं वहाँ से करवाई, असी उतो ही कराई हूँ। कसमे एडी कुड़ी इस बुरश पर के आए कर दी। और इनु बुलाओ ने केड़ा बुरश पड़या सी? केड़ा ओ जदे ना बड़े बोर्ड नहीं पॉलिश करी दे। ये मेरी बेटी ना, आपको मैं इसके बारे में बताऊं, इतनी अच्छी है ये मेरी बच्ची, इतनी मेरी खिदमत करती है। मैं सदके जाऊं, ये जब पैदा हुई ना, कि धमाका होया। आपने फील किया है ये माँ बेटी जब से बैठी है? हाँ जी। पीछे ऑडियंस चुकी जा रही है। हदीका जी ने बाज करे, मेरे साथ बदतमीजी ना करें। आप बाज करवाती हूँ उनको। हाँ। बस कर दें। सॉरी चाचा जी। हदीका जी, एक क्वेश्चन है मेरा जी आपसे डायरेक्ट। ज्यादा ना मुंह खोलना। काले मुंह खोले दिया सी, एक बंदा सिगरेट पे जा गया। ये एक्चुअली मेरे बस में नहीं है। hey, वैसे मैंने तो आज नोट किया है, भाई तो जबान पीली है मेरी। हाँ, मैंने असल में ना रिसेंटली व्हाइट चौसा खाया। और चौसा आगे नहीं नंगिया, उठे ही पे आज। आज माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है, बिल्कुल लाइट कलर। ये कौन सा है वैसे? बेज। पर इसके ऊपर ये तोता बना हुआ है, ये फहद हुसैन का है। फहद हुसैन तोते भी बेचते। वक्त हुआ है हमारी पहली गेस्ट को बुलाने का। शी इज वेरी प्रिटी, डेलिकेट सी हैं, आवाज बहुत सॉलिड और भरपूर। कोक स्टूडियो में आई, छा गईं, उससे पहले को होस्टिंग भी करती रही हैं एक बड़ी लाइट मूड वाले शो की। अब तो बहुत सारी इंडोर्समेंट्स भी कर रही हैं। पूरी मारना जे, पूरी दुनिया में अपनी परफॉर्मेंसेस दे रही हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शी इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉलिड सिंगर ऑफ पाकिस्तान। आइमा बेग के लिए बहुत सी साथ ही वेलकम करते हैं एक और बहुत ही पोटेंशियल सिंगर को, वो भी हमारे यूथ का एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है और मेल सिंगर्स के अंदर एक बहुत ही कमाल का एडिशन है। वाओ। और उनकी इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी फॉलोइंग है, खूबसूरत आवाज है, पंजाबी के गाने उनके एक से बढ़ के एक हिट हैं, कॉम्पोजिशंस भी करते हैं, गाने लिखते भी हैं और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, वेरी पोटेंशियल बिलाल सईद के लिए बहुत से तुम सुनाओ। फ्रैंकनेस का लेवल जरा चेक कर लें। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। मैं देख रहा हूँ, मैंने वो बुखार नहीं रहा। अच्छा, आपने मैचिंग चूड़ियाँ भी पहनी है माशाल्लाह। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं।
और ये जो आपने एयरिंग पहने हाँ की मसले की ने तुहाडे सिद्धा क्या की आखर आई है मेरा मतलब है यार प्लीज एक और आयमा जी तुम सुनाओ आयमा साड़ी जरा गुफ्तगु दे बीच होनी जरा अपना साथ दुरुस्त कर यार भाई सिद्धे हो तुम दवाई लाके बैठे अब तो जरूर कटेगा क्योंकि बात ही गलत है उसने 12 साल मजियां चराई नहीं थी मेरे ख्याल में उसका भी कोई हिस्ट्री उसने पढ़ी हुई थी हाँ। तो मुझे बड़े हवाले दिए फिर आफताब इकबाल साहब कितने मोटर में पड़ते नहीं लगे आयमा जी हदीका जी आज हम फाइनली मिल गए हैं आज आप पहले दिन मिले आज हम पहले दिन मिले हैं और इससे पहले कि आप कुछ भी बोलें आई जस्ट वांट टू कन्फेस दैट कि आई हैव बीन अ ह्यूज आई स्टिल एम आई हैव बीन अ ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क बिकॉज आई थिंक आपकी जैसा स्टेप हमारी फीमेल इंडस्ट्री में स्पेशली आपने इंस्पिरेशन दी है हम जैसे जनरेशन को टू एक्चुअली स्टैंड अप एंड शो देम व्हाट वुमेन आर केपेबल ऑफ थैंक यू इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग सिर्फ एक जगह हमें चुप करके खड़े होना यू एक्चुअली गेव अस द आइडिया ऑफ being more creative thank you so much itna zyada really hogi to lagega audience ko ki jaise main kuch samjha bujha ke aayi hu tumhe ki mere bare mein na pehli tamheed puri leke aana but I always wanted to say that kyunki this is the truth ab zara mujhe ye batao ki kabhi socha tha ki stage pe jaungi gaungi express karungi ha ye maine hamesha socha tha this was my aim कि मैंने यही करना है एंड आई फॉर दैट पर्पज आई हैड टू फाइट फ्रॉम माई फादर स्पेशली बिकॉज मेरे अब्बा खुद भी गाते थे लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटी सी हो एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस फील्ड और हमारी कोई फैमिली भी रिलेट मतलब इस तरह नहीं है बैकग्राउंड ही वॉज लाइक नो यू कांट डू दिस एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू डू दिस यानी कि ऑपोजिशन थी देयर वॉज फ्रॉम माई फादर देयर वॉज उन्होंने मुझे कभी सही तरह सुना नहीं था एक्चुअली मेरी अम्मा ने मुझे प्रॉपर सुना हुआ था तो उन्होंने कहा कि नहीं जाने दो उसको ये कर लेगी और नाम बनाएगी और आपको प्राउड ही फील होगा आई बीन सिंगिंग सिंस व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड बट आई हैव ऑलवेज बीन अ रियली शाय पर्सन मैं बहुत ही वो शाय नहीं लोग होते जो रिजर्व रहते हैं वो रही हूँ तो सामने लेट आई बट एवरीबडी कीप्स कॉलिंग मी छोटी सी उम्र वाली दो मैं 24 साल की हूँ बट आई डोंट लुक लाइक 24 साल की आई थिंक आर्टिस्ट जो है ना वो हमेशा से उसके अंदर कोई स्ट्रीक नजर आना शुरू हो जाती है बचपन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे पूरे घर वालों ने मेरा नाम प्रॉब्लम चाइल्ड के नाम से सेव किया हुआ था बिकॉज उनको लगता था कि आई एम अ वेरी प्रॉब्लमेटिक मिस्टीरियस एंड अ वियर्ड काइंड ऑफ अ किड इंक्लूडिंग मी वर 5 बट मेरी अम्मा कहती थी कि ये बड़ी वियर्ड बच्ची है ये अपनी दुनिया में रहती है और वो दुनिया क्या थी जरा छोटा सा बताओ ऑडियंस को किसके साथ खेलती थी बताओ वो ऑडियंस किसके साथ खेलती थी मैं आपको बताती हूँ मैं एक लकड़ी के टुकड़े के साथ खेलती थी जिस पे मैंने बाल बनाए हुए थे वो एक दुपट्टा पकड़ के लकड़ी के पीछे लगा देती थी और मैं समझती थी कि दिस इज माय कंपेनियन एंड आई यूज्ड टू हैंग आउट विद दैट कंपेनियन एट ऑल टाइम्स और मेरी कोई बार भी अब बुला के देते थे मैंने बार भी इसकी टांगे तोड़ के पता नहीं क्या करके आई उसने यानी कि एक कैरेक्टर बनाया हुआ था अपना जैसा कास्ट अवे के अंदर एक देखा था हमने कि वो एक फुटबॉल के साथ उसके ऊपर वो ड्राइंग करके उसने एक कैरेक्टर बना लिया ना लोनलीनेस के अंदर लकड़ी के ऊपर दुपट्टा डाल के फिर मैं सारी बातें उसी से करती थी आई नेवर हैड अ कनेक्शन विद बार्बी डॉल्स और काश मैं लकड़ी होता मैं यहीं पे आ रही थी कि उसको कितना इंटरेस्ट हो रहा है इसका मतलब उसके साथ बन सकती है वैसे काश मैं लकड़ी होता तू लकड़ी होता ना ते तेरे ज बड़े किल टुकड़े उस लकड़ी के टुकड़े के साथ हुआ बहुत बुरा ना ये कि मैं छत पे खेल रही थी और बारिश हो गई तो मैंने उसको ऊपर ही छोड़ दिया तो जब मैं वापस आई तो वो लकड़ी इतनी फूल के पता नहीं क्या बन चुकी थी तो बड़ा बुरा हुआ उसके बाद को और लकड़ी मिली कि नहीं नहीं उसके बाद कोई रिप्लेस नहीं कर सका उसके बाद मैं दरवाजे बंद करती थी कमरों के कैरियोकीज लगाती थी सर मेरी अम्मा सुन रही होती थी कि ऊपर गाने गा रहे हैं भी बचपन में ऐसे ही पुठे तरीकों से खेलता था तदे तेरे डेले बार आए मेरे पास भी एक छोटा सा होता था वो क्या कहते उसको मेंढक अच्छा हाँ मैं उसके साथ सारी बातें करता था रोज मेंढक की इंस्पिरेशन इनकी आंखों में भी आई है आपको पता है वो मेंढक मरते मरते अपनी आंखें इसको डोनेट कर गया बिलाल बचपन में गाते थे फैमिली को पता था कि क्या कर रहे हो एक्चुअली स्टोरी थोड़ी सरप्राइजिंग इस तरह से है कि मेरे घर वाले चाह रहे थे कि मैं कुरान पाक हिफ्ज करूं और प्रॉपर लाइक इस राह पे लगूं सही सही तो मैंने किया भी
लेकिन जैसे ही मैट्रिक ख़त्म हुआ तो फिर मैंने जब उनके सामने पेशकश रखी कि मुझे गाना गाना है तो क्योंकि हमारी और फादर्स में से कोई सिंगिंग की तरफ आया नहीं था तो दे वर शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया। शॉक थे या गुस्से में थे? क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरा अपना इंटरेस्ट था एक कुरान पाक की तरफ भी और इन चीज़ों की तरफ भी, और फिर मैंने ही बोला कि मैंने ये करना है। उन्हें लगा कि यार हमने शायद कोई लाइक वी कुड नॉट रीड हिज माइंड। तो लेकिन समहा मुश्किल था कन्विंस करना, लेकिन वही बात है कि डटे रहे। मैंने कोशिश की, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली एज अ कैप्टन खेली। मैंने थोड़े दिन बाद वजीर आजम ना बन जाना। वैसे कोई सिंगर वजीर आजम बने तो क्या ही बात है, बात है पूरा मुल्क जो है वो हर, हर तरफ मतलब खुशियां ही खुशियां हर जगह। अपोजिशन ने उठे पांच मात्रे लाया हुए और कहीं जरा पहला काला उठाना नजर आए। नहीं, बहुत सारे काले तो अभी भी उठाने की जरूरत है। असेंबली स्टार्ट होने से पहले हो गए चौथे से बेहतरीन। लेट्स टेक अ लिटिल ब्रेक, वी बी राइट बैक। लाल भाई जी तुसी सिंगर ना होंदे तो अपने मुर्गी खाने होने से। आपको पता है दीका जी? हाँ जी। मैंने भी मुर्गियां पाली थी, मैंने तकरीबन 2-3 महीने उनको चारा खिलाया, दाना खिलाया। फिर? मैं रोज उनको कही जाऊँ एक्सक्यूज मी अंडा किधर है। वो मेरी बात सुनी अनसुनी करके दाना खाना शुरू कर दिया। इसी असना में 2-3 वीक्स और गुजर गए। फिर अखीर एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैं 6 महीने लंघ गए ने वेलकम बैक टू आपके सितारे। आप मेरी शकल देखें कहाँ जा रही है। हाँ। अब मैं ये देख रही हूँ आलिया जी और मुअज्जम साहब जो है ना थोड़ा एक्सरे करने के ऊपर आएंगे। अब अगर आप थोड़ा देखा जाए आयमा बेग के बारे में हमें पता चले। मुअज्जम साहब साडे एस्ट्रोलॉजर है कि नहीं, और कोई कनाडा का क्वाल नहीं। चले मेरे दिमाग में क्वेश्चन वेरी रैंडम, बट अगर आप बता सकें कि मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग मी। हमें डराओ ना एम्मा। 10 मिनट बाद पछताओ ना कर ले। पिछले इनके से 1.5 साल गुजरा है, ये सारा का सारा इनकी डोमेस्टिक लाइफ होती है जब इनकी ज़िंदगी पेरेंट के साथ जुड़ी होती है। अच्छा। तो वो उनकी ज़िंदगी में बहुत अजीबोगरीब किस्म का गुजरा, जिस तरह कोई आदमी अपनी कोई चीज़ मिस कर देता है, हाथ से चली जाती है, और उस जाने से जो बंदे को टेंशन एंगजाइटी होती है, शी इज़ पासिंग थ्रू द सेम फेस। तो इसी वजह से इनकी जो डोमेस्टिक पर्सनल लाइफ है, जहाँ पर इनकी इमोशंस डायरेक्टली कनेक्ट हैं, पेरेंट्स से डायरेक्टली चीज़ें हैं, जो इनकी लाइफ है, शी लॉस्ट द गेम इन द मिडल ऑफ द रोड। दैट्स व्हाई शी इज़ इन डिप्रेशन। जो हेल्थ कार्ड है ना, उसमें टेम्परेंस के साथ मून कार्ड है। जब ये दोनों कार्ड हेल्थ के उसमें आ जाते हैं तो ये जाहिर ये करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें जो तेज़ बुखार चढ़ता हो, उससे बीमारी हो जाती है या वायरस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती हैं, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पल में तोला पल में माशा। हाँ। आपकी पर्सनालिटी माशा जी नहीं थी बेचारी, आप हो। अब ग्रीनिश कलर का फिरोजा पहने। कौन सा ग्रीनिश कलर का? हाँ, आपको जिंदगी दे फिरोजे का एक रंग। ये जो मेरा वाला कलर है ना, ये आपको सूट करेगा। चलिए मुझे लव लाइफ के बारे में बता दें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ओह माय गॉड, लेट्स गो विद द लव लाइफ। जल्दी जल्दी बता दे आलिया जी लव लाइफ के बारे में। तू टेंशन ना ले, तू सिर्फ जेज इकट्ठा कर। 2014 या 15 में मुझे लगता है कोई ब्रेकअप आपका हुआ, यू वर सीरियस अबाउट समथिंग। अभी जो मोहब्बत आपको होगी इस साल 2019 में। ये जो बंदा है इसका साइन हो सकता है एरीज हो, और आपसे उम्र में शायद थोड़ा सा बड़ा होगा, छोटा होगा, एज डिफरेंस होगा। आई थिंक यू विल बी गेटिंग हिम एंड दिस टाइम यू विल बी सक्सेसफुल। ओह ओके, दिस टाइम आई विल बी सक्सेसफुल। इस बात को बढ़ाते हुए एक बात तो ये है कि ये जो भी 2019 जा रहा है, इसके एंड तक आपको इस तरह की सीरियस प्रपोजल आने वाली हैं, जिसका ये लगे कि कोई आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है। और ये इनको करना चाहिए, ये मैं वही उसी तरफ जा रहा हूँ। हाँ, उस तरफ आजे फौरन आजे। इसलिए इनको ये चाहिए कि जो पिछला अगर देखे 2-2.5 सालों से, ये पिछला 2-2.5 साल का फेज गुजारा है, इसमें इनको इस किस्म के ऑप्शंस थे मगर वो कहीं भी प्रॉपरली क्लिक नहीं हुए। इनको अपनी लव मैरिज या जो जिनसे प्यार करें, जो इनको प्रपोज करें, उनका फैसला लेते हुए, उनकी ये डिसीजन लेते हुए बहुत ध्यान से सोचें। आई डोंट थिंक कि इस वक्त 2019 में भी ये
चीज आएगी जरूर, मगर अगर ये If I'm ready or not. हाँ, अगर आपको ये थोड़ा इंतजार कर लें आई थिंक एक साल का तो फिर आपके लिए और ज्यादा बेहतर होगा. ये मुश्किल है, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती. वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं वो बंदी हूं जो शादी से बहुत ज्यादा डरती है. दो के यू कैन नेवर फाइंड अनदर लॉयल पर्सन देन मी. आई एम लाइक द लॉयलेस्ट पर्सन. लेकिन शादी से तुम्हारे बट लाइक कमिटमेंट टू समबडी, आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी. फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. या इट्स जस्ट स्केयर्स मी अ लिटिल बिट, बट आई एम डेफिनेटली प्रोन टू शादी ऑफ कोर्स. बिलाल, अब तो आप मैरिड हैं. बिल्कुल. क्या ये लव मैरिज थी? जी बिल्कुल थी. मुझे इस चीज पे बड़ा स्ट्रिक्टली बिलीव है कि प्यार बिल्कुल होता है इंसान को और बार बार होता है. अच्छा आप नालिया जी. हाँ जी. बिलाल नु ना ग्रीन दस दे. बिलाल को ना आप फालसा कलर. व्हाट एन एप्रोप्रिएट कलर. उन्होंने अपनी स्ट्रॉबेरी लाई. अब सिंस अब अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात. की गल. मैं का भूख लागे हूं. बिलाल भाईजन को सिर्फ वही लड़कियां पसंद आएंगी जो अपनी बहनों में या सबसे पहली हूँ या सिर्फ आखिरी हूँ. बस आपकी वाइफ का कौन सा नंबर है? पहले ही. और जिससे भी आपका रोमांस रहेगा या आपको लगेगा नहीं ये एक और, वो बहनों में आखिरी होगा. सारियां बहनों में मगर हो गए हो. इस टाइम बीवी देख रही है आपकी. जितनी चीजें आप अभी मेरे बारे में बताएंगे मेरे ख्याल में मेरी बीवी को ऑलरेडी पता है. मेरे ख्याल में कोई भी लड़की हो लड़का हो, एक्टर सिंगर परफॉर्मर कॉमेडियन, जो शोबिज़ के लोग हैं उनको अंडरस्टैंड करना, या जो आर्टिस्ट लोग हैं इनको अंडरस्टैंड करना, एक नॉर्मल जिनका नॉर्मल शोबों से ताल्लुक है, मुश्किल है. हाँ, बड़ा मुश्किल है. फीमेल फॉलोइंग कैसी है आपकी? फीमेल फैंस कितना तंग करती हैं? कोई फैन जो आपके पीछे पड़ गई हो. हाँ, इसलिए आगे क्या एक साल ही बच्चियां चला जा. इनके बारे में भी जरा कुछ रिवील कर दें. एक तो रोमांटिक है बाय नेचर. मून जुपिटर केतु ये आपस इनके ट्राइन में बैठे हैं, जिसके बैठेंगे वो सारी जिंदगी रोमांटिक ही रहेगा. मैंने इसलिए एक होता है ना जैसे आदमी कहीं बहुत सीरियसली नहीं बैठ सकता, बिल्कुल सीरियसली नहीं बैठ सकते. और इनकी वाइफ जो है वो इस चीज़ को एंजॉय करने की बजाय इसके अगेंस्ट जाएं. आपके बच्चों में मेल टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जिस तरह तीन मेल दो मेल बस इस तरह होंगे. और शायद ही एक जिसे हम कहते हैं कि बेटी है या फीमेल है. दूसरी बात, आपके अपने और आपके बेगम के भी अगर भाई गिने जाएँ तो उनकी तादाद दो दो तीन तीन यहीं पर ही होगी बस. आपके भाई कितने हैं? अच्छा, हम तीन भाई हैं. मैंने भी यही कहा तीन होंगे. आपके बेगम के भाई कितने हैं? एक ही भाई. ज्यादा से ज्यादा एक और हो सकता है बस. अच्छा, गल अपनी थल्ले नहीं पहन देंगे मौजूद था. बिलाल भाई जे तुसी सिंगर ना ना होंदे तुहाडे अपने मुर्गी खाने होने से. आपको पता है दीका जी? हाँ जी. मैंने भी मुर्गियां पाली थी. मैंने तकरीबन दो तीन महीने उनको चारा खिलाया, दाना खिलाया. मैं रोज उनको कही जाऊँ एक्सक्यूज मी अंडा किधर है. वो मेरी बात सुनी अनसुनी करके दाना खाना शुरू कर दिया. इसी असना में दो तीन वीक्स और गुजर गए. फिर आखिर एक दिन मुझे गुस्सा आया. मैं कहा 6 महीने लंघ गए ने, अंडा क्यों नहीं देन रही है. ओ दोनों मेरे कोल आए, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी सानू कुछ कहेगा तो नहीं. मैं कहा नहीं, खा कसम. मैं कहा नहीं कहवागा, दसो तो सही. उन्होंने कहा एक्चुअली असी दोवें कुकड़ आ. बिलाल मुझे बताओ, रिकॉर्डिंग में मजा आता है या स्टेज पे? स्टेज का बस है ना, स्टेज का अपना नशा है. रिकॉर्डिंग का बस सिर्फ एक अच्छी बात है, आप एक चीज बजाते हो स्टार्ट में वो सेंस नहीं बना रही होती, लेकिन म्यूजिक की खूबसूरती है कि जब आप एक एक चीज ऐड करते जाते हो तो वो एंड पे इतना खूबसूरत साउंड करना शुरू हो जाता है. मैं बहुत स्लो काम इसीलिए करता हूँ क्योंकि अगर एक अच्छी चीज बन गई तो मैं उसको 3-4 घंटे सुनता ही रहता हूँ. मतलब वो बनाने का प्रोसेस रुक जाता है और उसको एंजॉय करने का. मतलब जो बनाते हो बिल्कुल अपने ऐसा होता है कि जिसको आप खुद नर्चर भी करके बाद में फिर पूरा सुन रहे होते हो और एंजॉय कर रहे हो. यानी कि उतनी देर सुनते रहते हो जितनी देर वो खराब नहीं हो जाती. मेरा ये मानना है कि अगर अपना बनाया हुआ गाना आप खुद 100 बार सुन सकते हो तो मतलब लोग सुन सकते हैं. सही बात. क्योंकि जब हम उसको बना रहे होते हैं हम उसको 1000 बार सुनते हैं. मुझे वैसे रिकॉर्डिंग का प्रोसेस लाइव सिंगिंग से ज्यादा अच्छा लगता है. हालांकि मैं लाइव सिंगर ही हूँ, गाती लाइव ही, हजारों शोज लाइव ही किए मैं. उसकी एनर्जी कुछ और होती है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग के बाद आपको लगता है ना कि जैसे ये तो चीज आपकी रहेगी. जी 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 जी. ये तो फिर आप सोचें सदियां पे चलती हैं और फिर देखें ना नस्ल दर नस्ल वो एक चीज रहती है ऑन रिकॉर्ड. शोज के ऊपर तो वो एक बात आई गई. उस टाइम आप एक हाई में गए और एनर्जीज आपको मिली लोगों की और बड़ा मजा आया. उसके बाद आप आ गए बस गॉन. बिलाल साहब फिर इधर लाइव सुनाई देना कुछ, हमारे भी कानों को थोड़ा सा महसूस कर दें. चले. वैसे तो यार लेडीज फर्स्ट होता है. चलिए तो आपको कहा. मैं जल रहा हूं तेरी दूरियों में दूर कहीं, तेरे दिल में भी दबी कोई तो आतिश होगी. आ जाई है फिर से याद तेरी,
आज लगता है फिर बारिश होगी। मुश्किल दिल नू अज समझाना तेनू सजना पैना है आना जागे आ फिर एक दर्द पुराना कोल बिठा के तेनू सुनाना मर जाने इस चंद्रे दिल दी पूरी हो जाए ख्वाहिश जे एक बारी आ जावे ते दिल जरा लग जावे जे एक बारी आ जावे ते दिल जरा लग जावे वो मैं बिलाल ने इतना अच्छा गाना सुनाया आप भी थोड़ा सा गुनगुना देना साथू ढोल मनावना साथू यार मनावना भावे सिर दी बाजी लग जावे ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे अपनी लकड़ भी खरीद ली तेरे किसी काम नहीं आनी बेटा अखीर मैं उस शेर च मार आलिया जो है ना मुझे ना वो वाइफ दे रही है यार तुम्हें टैलेंट भी है पर तुम्हारे मसले वो भी सुना दे आप जरा दगाबाज दिल है कलाबाज दिल उसमें दगाबाज भी आता है वर्ड कलाबाज अक्सर लोग से दगाबाज ही कहते हैं कलाबाज कलाबाज दिल है मेरी जाने क्या कहे कदर जो ना जाने उसके पीछे ही रहे किसी की वफा पे है किसी के वफा पे कोई और मरे कलाबाज दिल है बेरी जाने क्या कहे कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद बिल्लू देखो ना बिल्लू तुम माशाल्लाह इतनी सारी हो तुम्हें बैरून मुल्क से भी देखा जाता है अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं आप नसीबों वाले हैं जो मेरी बेटी को कोई लड़का पसंद आया I'm blushing लाल भाई ये ना दोस्ती ना करान इसमें किस चीज की कमी है बताओ ये ना कमी नहीं है तो सिर्फ वादा है दिल छोटा ना करे वो कहते हैं ना इश्क और जंग में सब कुछ जायज है तो अच्छा बिलाल भी साडा माशाल्लाह काफी थोड़े आपके सितारे ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हैं जी ऑडियंस में देखते हैं कि कितने टैलेंटेड यहां पे लोग बैठे हुए हैं सिंगर्स कौन कौन से हैं जी पुरानी जीन्स और गिटार बाबा मोहल्ले की वो छत ये बंदा सही नहीं है और मेरे यार इन्हें माइक खा यानी रातों को जागना सुबह घर जाना कूद के दीवार
वो सिगरेट पीना बुरी गल गली में जाके सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुजर है गाना यारों के साथ यादें यादें रह जाती हैं कुछ छोटी हाँ छोटी बातें रह जाती हैं बस यादें ऐसा बंदा सारा गाना मुका के कह रहे हो ना मेरे बच्चे याद आ रहे हैं इनके पापा भी यही गाना गाते थे आंटी ने क्या ना आंटी बकवास कर रही है ऐसा बंदा गाने तो बात कर रहे हैं next सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ शुरू जो लगा थी मंगल लगा नहीं कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं कर दे कोई नवाजिशे करम मेहरबानियां और साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा बसो हमारी नगरी मुहे सुंदर मुख दिखला हो कदिया मिल हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे हो कदिया मिल सांवल यार पहुंचे शाबाश कोई लड़की तो गाए ना इधर से फूल बिछे कांटों पे चलना है नामुमकिन समझे ना पागल दिल कह गया वाह वाह तेरियां मैं तेरियां 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 हंजू मुक गए ना तेरियां तेरियां दस हुण की करा तेरियां मैं तेरियां 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 हुण मुकरी ना ओ बिलाल मैं तेरियां तेरा ते कोई नहीं फिर रहा बिल्लू देखो ना बिल्लू तुम माशाल्लाह इतनी सारी हो तुम्हें बैरूने मुल्क से भी देखा जाता है अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं हम नसीबों वाले हैं जो मेरी बेटी को कोई लड़का पसंद आया I'm blushing आपको पता ही है जो तितली है सुबह का नाश्ता क्या करती है क्या त्रासी पावे मंजी दे बिलाल भाई ये ना दोस्ती ना करान इसमें किस चीज की कमी है बताओ ये ना कमी नहीं है तो सिर्फ वादा है अब दिल छोटा ना करें वो कहते हैं ना इश्क और जंग में सब कुछ जायज है तो अच्छा बिलाल भी साडा माशाल्लाह काफी थोड़े आपको देख के मेरा दिल पता क्या कह रहा है बिलाल भी शर्मा गए गल पक्की सुने ऑडियंस में से बताएं कि किसने बहुत अच्छा गाया फीमेल और मेल बोथ क्योंकि हमारे फीमेल तो मुझे ये लड़की पसंद आ गई लड़कों में उन्होंने बहुत अच्छा गाया ये जो दाढ़ी वाले बैठे लड़की को आप देंगे हदीका कियानी सैलून का गिफ्ट वाउचर बहुत अच्छा हेयर का पैकेज है आयमा आप खुद दें और बिलाल आप दें लड़के को सेंटफुल का गिफ्ट श्योर 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 आ जाओ thank you
एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद. इंसान हो मैं चुगता भी करा. ताडे अब्बे का भी हाल पूछा, तेरी अम्मी का की हाल है, ताडे कोल किन्ने पैसे ने, किराए रक्षे से आए हो या अपनी गड्डी से आए हो, फिर मूँह तुहाडा जिदे च बिस्तरे आउंदे उहदे च तुसीं आए. वेलकम बैक टू आपके सितारे. मैं हूँ हदीका कियानी और हमारे साथ हैं आयमा बेग, हमारे साथ हैं बिलाल सईद. और ब्रेक में हमें किंग ऑफ कॉमेडी ने ज्वाइन किया है. वाह जी. और वो हैं हमारे बहुत ही मोहतरम अमानुल्लाह खान साहब. मैं भी कमा थोड़ा थोड़ा तू हाँ क्यों है खान साहेब. खैर मेरे शहजादे क्या कहने, शगना का बताऊं दाए. वैसे अमान साहब कितने माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं. और तू खलो जा जो पेंट की पेस्ट्री हिंदी है. की तेरी जिंदगी है कि तेनू वेख के बच्चे रफड़ पाउंदे ने पिंडा च, अब्बा मैं हो लैणा अब्बा. 87,000 तेरे ते मक्खी बैठी हुंदी है. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣ. ਖਾਸਾ ਬਰੀ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਖਾਸਾ ਵਿਨਰ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ. ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੇਨ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ. किन्ने पैसे ने, किराए रक्षे से आए हो या अपनी गड्डी से आए हो, फिर मूँह तुहाडा जिदे च बिस्तरे आउंदे उहदे च तुसीं आए. हमला कर दिया तुम्हें, आगे से झुकते ही पड़ेंगे. माशाल्लाह महाराजा लग रहे हैं. महाराजा जंग हो जाए ना तो रेंट से घोड़ा मंगाऊंगा. सट वाली उंगल होंगी माई की झुकी का माइकल जैक्सन हों. वैसे ये भाई अच्छी बात भी है एक लिहाज से. हाँ तू तो मासूम बच्चा है ना, जिदा ना ही हदीका उसकी की जिंदगी. हदीका का की हाल है भाई जान. हदीका तो बस उदो देख के मर गया. अमान साहब मुर्शिद ना उस्ताद तेरा बहुत फिट है. बेड के गद्दे लिए नाल मुफ्त आउंदे ने. अमान साहब 40 साल हो गए आपको. चालीस साल हो गए. कई बंदे बहुत जोर ला के गल करते, पाजी इन्ने नोट लेंदे, मैं तो आराम ने कदे इन्ने नोट लेंदे. 2,50,000 रुपया. नहीं नहीं वैसे वैसे बात है, 40 साल आपको हो गए इस फील्ड में, कैसा लगा आपका जर्नी, कैसा था बचपन से ही आप इतने लीथल हैं, यानी कि कोई लीथल का मतलब इतने मैले हैं? नहीं, जवाहर इंसान है जिन्हें सराहने रख के भी सौ जाओ. अमान साहब मुझे बताएं, आप बचपन से किससे इंस्पायर्ड थे अपनी फैमिली में? उन्हें दी फैमिली जी केड़े सैगल सर, कौन भी सारे तो मिस्कीन लोग सर. मैं उन लोगों से इंस्पायर हूँ जो अल्लाह की राह में बहुत कुछ देते हैं लोगों को. मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ जिन्होंने ये शुगर का टीका इजाद किया, इंसुलिन की फ्रिज बनाई, लोग ठंडा पानी पी रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, माशाल्लाह. ए हुन बहुत फिट मुखरे किन्ने बिठाते ने.
ना ना प्यो मरना ना माँ मरनी है। अच्छा मानसावर का जादूगर जेब जो कुत्ता कटे ना तो ये कुत्ता ये नहीं है इस गले के निभाए मैंने। तो कह रहा बपटने से ना गला भी बंद है ये करें ना ऐ आया ऐ भी हो जाएंगे। अच्छा मानसाब हम तहे दिल से आपके शुक्र गुजार हैं। क्यों 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 गुजार हूँ? अल्लाह आपको जिंदगी से दे माइकल जैक्सन की बेवा हूँ दी। आप मैं बिला वजह ना ना सुनना और दिल बात। इंस्पिरेशन मुझे इंस्पिरेशन बताएं अपनी। बहुत से लोग हैं जिनसे मुझे इंस्पिरेशन है मतलब अली भाई मोहम्मद अली साहब संतोष कुमार साहब फैल न्याजी साहब बिया भाभी मैडम नूर जहां नजर साहब बड़े जरीफ साहब वाह इन लोगों को मैं पिक्चरें देखता था अपने वाले साहब के साथ तो मुझे शौक पैदा हो गया कि यार स्क्रीन के ऊपर काम करना चाहिए। ए ओ जब बंदा 5 मिनट उर्दू बोले ना तब फड़ निकलो। यू नो तफड़ मुझे पता है तफड़ मींस अ डॉट। खान साहब जी जी आप गाते भी हैं आप नहाते क्यों नहीं आप क्यों नहीं चुप करो आप गाते भी हैं आप कॉमेडी करते हैं बंदे बदतमीज उड़ा दे तुम्हारी है। आपकी इंस्पिरेशन मैंने उनको खाप लेने दे चिंगा। हाँ मुझे बताएं इंस्पिरेशन कौन है आपकी इस मुल्क में इस मुल्क से बाहर अपनी फैमिली के अंदर कहाँ से आपको ये इतना कुछ मिलता है ये सारा कुछ नेचुरल है इन्हें रूढ़ी तो लब्बा है जो भी लब्बा ऊपर ही फिर दारन का बच्चा करे कितने ऐजड़ी ने वेस्टकोट पाई है ना दिक्का जी अल्लाह की दिक्कत समय नेरी चे ना दिकार डिग पाई से जेड़ा पीछे बैग तो ऑपरेट कर रहे हैं ना उठ जाए ना तो तेरे कहीं नहीं दिल्ली शो जारी सारी रहेगा सेम टाइम सेम प्लेस यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम मैं हूं हदीका कियानी इंडस डॉट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। Thank you.